क्यूरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? तो वीडियो का टाइटल और मेरा ये अवतार देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ढेर सारे फेस्टिव वेयर्स फ्रॉम Amazon। एंड आज का वीडियो ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में ना मिक्स कलेक्शन होने वाला है। लाइक सूट्स है, साड़ीज है, गाउन है, ब्लाउजेस है, लाइक हर एक चीज जो भी आपको चाहिए इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड पीछे के कलेक्शन देख के भी आपको पता चली गया होगा कि अब मेरे चैनल पे कितने सारे फेस्टिव कॉन्टेंट आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलो बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ विच इज दिस वन, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का कुर्ता सेट है। दिस इज वेरी वेरी ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम, लाइक मैंने बहुत लोगों को देखा ये वाला आउटफिट पहनते हुए। सो मैंने सोचा कि चलो एक बार लेके ट्राई करते हैं, फाइनली मैंने परचेज कर लिया। इसका कलर आप देख सकते हो, इट इज सो प्रिटी, एकदम रानी कलर में आपको मिलता है। दिस कलर सूट्स एवरी स्किन टोन। तो चलो मैं आपको सबसे पहले ऊपर का कुर्ता दिखाती हूँ, उसके बाद मैं नीचे का आपको शरारा दिखाऊंगी। तो इसकी जो नेकलाइन है वो आपको वी नेकलाइन में मिलती है, गोटे का काम मिल जाएगा गले में, स्लीव्स फुल में है, एंड स्लीव्स के एंड में यहाँ पे इलास्टिक दे रखी है, तो थोड़ा सा ऐसे बेल स्लीव्स या बलून स्लीव्स टाइप का फील आएगा। लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है, लाइक प्रॉपर वो पटियाला सूट जैसे होती है ना, वैसे ही आपको मिलेगा। थोड़ा सा नीचे से आपको फ्लेयर मिल जाता है, और इसके ऊपर ऐसे गोल्डन गोल्डन कलर का प्रिंट भी है। बात करें अगर हम कुर्ते की, सॉरी कुर्ता तो दिखा दिया, बात करें अगर मैं नीचे बॉटम की, तो बॉटम में आपको ऐसे शरारा मिल जाता है, एंड यहाँ पे इलास्टिक है, तो चेन वगैरह का झमेला नहीं है, प्रॉपर आपको इलास्टिक में मिलती है। इसमें मैंने साइज लिया है स्मॉल, बट आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस मिल जाएंगे। अंडर 2000 रुपीज में ये कुर्ता सेट आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है? कोई ऊपर का अलग से नहीं खरीदना, नीचे का अलग से नहीं खरीदना, प्रॉपर आपको पूरा सेट मिलता है। और आज मेरी थोड़ी सांस फूल रही है बिकॉज मेरी थोड़ी कोल्ड हो रखी है, तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना, ठीक है? सो नेक्स्ट आउटफिट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ विच इज दिस वन, जो कि अभी मैंने वेयर कर रखा है। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्कर्ट साड़ी, इसके ना नीचे ऐसे रफल रफल टाइप का बना हुआ है, एंड साइड में आपको चेन मिल जाती है, तो पहनने उतारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साइज आई एम वेयरिंग स्मॉल ना। इसके साथ ना जो आपको ये ऊपर का ब्लाउज दिखना है, ये आपको अलग से परचेज करनी होगी, ठीक है? इसके साथ आपको नहीं आएगा, तो मैंने ये भी अलग से ही परचेज किया है। वन शोल्डर में आपको मिलता है, बट अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हो तो आप इसके साथ कोई भी गोल्डन कलर का ब्लाउज आप डाल सकते हो, ठीक है? या फिर ब्लैक, व्हाइट, कुछ भी चल जाएगा। सीक्वेन में थोड़ा सा डालना तो काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट भी करेगा। बट मैं आपको बोलूंगी अगर आपको पूरा ऐसे प्रॉपर मैच चाहिए ना, तो ये वाला ब्लाउज आप खरीद लेना, ये भी काफी ज्यादा सुंदर है। इसमें भी आपको साइड से चेन वगैरह मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो दोनों को मिला के, ब्लाउज एंड ये स्कर्ट साड़ी, ये दोनों मिला के जो प्राइस इसका बैठा था 2500 में आपको मिल जाता है, ठीक है? और रेडी टू वेयर है, तो कोई आपको स्टिचिंग फॉल पिको करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉपर आपको मिल जाता है, जस्ट खरीदो और पहन लो एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक प्री स्टिच साड़ी विद अटैच्ड ब्लाउज। तो इस आउटफिट में आपको अलग से कोई भी ब्लाउज वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी अटैच है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गॉर्जियस ब्लू कलर का साड़ी, एंड ये पहनने के बाद इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था ना। मेरे पास इसका एक ग्रीन कलर का भी है, तो मैंने इस बार सोचा कि चलो एक ब्लू में भी लेते हैं, बट जो ग्रीन वाला था ना उसका जो स्लीव्स था वो थोड़ा सा ऐसे चौड़े में था, बट ये आपको ऐसे पतली सी स्ट्रैप्स में मिलती है, लाइक स्ट्रैप्स वाली इसकी ब्लाउज है, विच लुक सो गुड, एंड नीचे से पूरा आपको ऐसा मिल जाता है, ये आपका जाएगा पल्लू वाला पोर्शन। नाउ इंडिया में ना मेरे को एक चीज लगती है कि इनकी जो पल्लू होती है ना वो काफी लंबी होती है, ये लोग ऐसे 5.5 फीट या उससे ज्यादा अगर आपकी हाइट हो ना तो आपका इनका पल्लू सही आएगा, बट अगर आप मेरे जैसे हो ना थोड़ी शॉर्ट 5 फीट तक, तो पल्लू आपको नीचे से थोड़ी सी कटवानी होगी, अदरवाइज वो लटकेगी, ठीक है? अगर आप हील्स भी पहनते हो ना तो भी लटकती है, वो मैंने नोटिस किया है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये आउटफिट बहुत ही ज्यादा सुंदर है, सामने आपको पूरा सीक्वेंस वर्क मिलता है, अंदर प्रॉपर आपको लाइनिंग मिल जाएगी, साइड से चेन मिलती है। सो दिस आउटफिट इज रियली नाइस फॉर दोस्त जिनको साड़ी पहनने ना बिल्कुल भी नहीं आती, बट स्टिल मन होता है साड़ी पहनने का, तो आप ये वाला डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी रहती है 1800 रुपीज। सो नेक्स्ट मेरे पास है ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता, एंड ये हॉल्टन नेक में आपको मिलता है। इसके ना नीचे के साइड में एक बहुत ही बड़ी सी आपको स्लिट मिलेगी, तो इसके अंदर मैं आपको बोलूंगी आप कोई भी स्कर्ट डाल सकते हो, जीन्स
जीन्स के साथ भी चल जाएगा, प्लाजो के साथ भी चल जाएगा. एंड दिस इज ना समथिंग वेरी डिफरेंट. लाइक अगर आप फेस्टिवल में कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो, सबसे हटके दिखना चाहते हो ना, तो आप ये वाला आउटफिट डेफिनेटली ट्राई करो. इसका कलर भी बहुत ज्यादा यूनिक है, पूरा ऐसे स्ट्राइप में आपको मिलेगा गोल्डन कलर में. कलर इसका ना थोड़ा सा मॉविश लाइक पिंक प्लस मॉव कलर का मिलाकर है. प्राइस की अगर बात करें तो ये आपको 1300 रुपीज में मिल जाता है. इसमें मैंने साइज लिया है स्मॉल, बट अगेन डिफरेंट डिफरेंट साइजेस अवेलेबल. और इसका जो लेंथ है वो भी काफी अच्छी है, छोटा नहीं पड़ेगा अगर आप लंबे भी हो तो, और अगर आप शॉर्टी हो तो आप हील्स के साथ पहन सकते हो. लास्ट आउटफिट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये आउटफिट मैं पहनने वाली हूँ रक्षाबंधन में. एंड ये आउटफिट इतना सुंदर है ना, मतलब जब मैंने पहना था मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि अभी पहन के बाहर निकल जाओ, ये इतना खूबसूरत था. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का प्री स्टिच साड़ी. इसका जो पल्लू वाला पोर्शन है ना वो प्रॉपर आपको रफल में मिलती है, ऑर्गेन्जा की मटेरियल है. और इसमें भी मैंने साइज लिया है स्मॉल, प्रॉपर स्टिच में आपको मिलेगा, आपको कुछ भी प्लीट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है. साइड में आपको चेन मिलती है, हुक्स भी मिल जाएगी. इंडिया का स्मॉल साइज मेरे को आ जाता है, बट इसमें ना आई डोंट नो बहुत ही टाइट आ गया है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप एक साइज इसमें अप कर सकते हो. इसकी भी लेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है, अंदर प्रॉपर आपको लाइनिंग में मिलती है, पेटीकोट वगैरह भी आपको पहनने की जरूरत नहीं है. नाउ इसके साथ ना मैंने जो स्टाइल किया था ब्लाउज वो था ये वाला ब्लाउज. मतलब मैं आपको बोलूंगी ये वाला ब्लाउज ना खरीद डालो, बिकॉज इट इज सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी. बैक साइड का डिजाइन भी आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, एकदम डीप साइज में साइड में आपको चेन मिल जाती है. इसमें मैंने साइज लिया है स्मॉल, बहुत अच्छे से फिट हुआ है, कहीं से भी लूज नहीं है. तो ये जो ब्लाउज है ना ये आप डिफरेंट डिफरेंट साइज के साथ भी पहन सकते हो, लाइक कोई और भी साड़ी है ना आपके पास तो उसके साथ भी आप पहन सकते हो. एंड इस साड़ी के साथ तो इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था ना. वैसे ये मैंने अलग अलग परचेज किया है, साड़ी के साथ आपको ब्लाउज नहीं मिलेगी, आपको अलग से खरीदना है. बट जस्ट इन केस आप इस साड़ी के साथ ब्लाउज ये वाला नहीं खरीदना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूंगी आप कोई भी व्हाइट कलर या फिर ग्रीन कलर, ब्लैक कलर भी चल जाएगा, ठीक है. तो आप थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में भी पहन सकते हो. ना प्राइस की बात करना तो दोनों मिला के अंडर 2000 में आपको मिल जाएगा. लाइक साड़ी की प्राइस है 1300 रुपए और इस ब्लाउज की प्राइस अराउंड 700 थी. आई नो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट टोटली वर्थ इट बिकॉज द क्वालिटी इज अमेजिंग, वेरी वेरी सॉफ्ट. तो ये तो मेरा सबसे सबसे ज्यादा पसंदीदा आउटफिट है इस पूरे हॉल में, और मैं इसको पहनने वाली हूँ रक्षाबंधन में, ठीक है. तो जरूर देख लेना मैं कैसी लगूंगी. मैं शेयर करूंगी अपने पिक्चर्स वगैरह ऑन इंस्टाग्राम, सो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो. और इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सभी के लिंक्स इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.